विधान बीजेपी प्रार्थी राम सुरेश राम सुरेश जी 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? आज के चैनल के मतदाता भाई नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 7 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक मतदान होना तय है। उस मतदान में कोरोना महाकाल में यह पहला चुनाव हो रहा है, अन्य चुनाव से भिन्न सभी भाइयों एवं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि कमल निशान NDA के प्रत्याशी होने के नाते मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कमल निशान 2 रन दबाकर भारतों से मुझे आशीर्वाद देने काम करे और सबका साथ सबका विकास के साथ मैं जा रहा हूं और बचे हुए कामों को मैं पूरा करने का वादा किया हूं, आगे करता रहूंगा। बिहार में बीते 15 साल पहले और अब के बिहार में कितना फर्क आया? मैं चौथी बार रहा हूँ, 2010 में मुझे जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बना और 10 के पहले इस क्षेत्र में पूरे औराई विधानसभा में आज जहाँ खड़े हैं, मैंने मंच पर भी कहा था कि यहाँ पैदल भी आने का कोई उपाय नहीं था, घर में बिजली नहीं हुआ था, के दिन में सारा समस्या पास हो गया, काम चालू है, घर घर बिजली लग गया है, एक जो समस्या था वो काम पास हो चुका है, वो निश्चित रूप से चुनाव के बाद उसमें हाथ लगेगा और विगत 1 साल के अंदर वह बनके तैयार हो जाएगा। जो माननीय मंगल पांडे जी ने यहाँ से अपना संकल्प लेके गए हैं उसको पूरा करते हैं। वो मंगल पांडे जी एक नेता नहीं, एक मंत्री नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, उन्होंने आपके लिए प्रचार किया, कितना प्रभाव पड़ेगा जनता पे? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना और पड़ाने से हमारा और मजबूती मिला है, आगे जनता फैसला कर चुकी है, आशीर्वाद देना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया राम सुरेश जी, आलोचना और आयुरू कैमरा पर्सन टूना मनोरंग सह इमरान खान।